हेलो आई सर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो सभी लोग। एंड टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द आई सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आई सर के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि टोटली साउथ इंडिया के अंदर है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है। सो यार वो जो है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास वीडियो शेयर किए थे, मैंने चेक किया था, दिस इज टोल्ड मी रिगार्डिंग इन लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स राइट कट ऑफ। लेकिन इस बार जो अगर मैं बताऊं तो जस्ट डायलॉजिस्टिक चेंजेस होने वाले हैं कट ऑफ के अंदर। वाई भैया, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यार जो जनरली जो हमारा पेपर होता है वो आई थिंक 180 मार्क्स का होता है। ओके, IAT टेस्ट जिसको हम SCB भी बोलते हैं। ओके, सो इतने साल जो होता था वो 180 मार्क्स का टेस्ट होता था, और जो है उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हर स्टेट के अंदर, जितने भी हमारे इंडिया के यूटी और स्टेट हैं या फिर आप बोर्ड्स मान सकते हो, उसके जो टॉप 20% बच्चों को लिया जाता था। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टेट के अंदर जस्ट लाइक टोटली जो अप्लीकेशन आते थे वो आप मान के चल सकते हो मैक्सिमम 22 से 23 हज़ार अप्लीकेशंस आते थे। ओके, मैक्सिमम 23 हज़ार मान के चलो, यहाँ पर 25 तक आप मान लो, क्योंकि हर बोर्ड से जो है ओनली फॉर 20 जो टॉप 20% मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनको ही सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर पिछले साल अगर 100 में से 20 बच्चे अप्लीकेबल थे, तो इस बार जो है 100 में से 96 बच्चे अप्लीकेबल हैं। समझ रहे हैं आप, पहले 100 में से सिर्फ 20 बच्चे अप्लीकेबल होते थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार 100 में से 96 बच्चे अप्लीकेबल हैं। ओके, मेन इश्यू ये है कि अप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ पाते स्टूडेंट्स के, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि भैया आईसर क्या होता है, क्योंकि JEE मेन जो है ट्रेंड चल रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट उसी के पीछे जा रहे हैं, जो कि ट्रेंड चल रहा है भैया वो IIT, IIT, NIT, GFTI, DU, JAMIA, BHU। सो इसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, ऑलमोस्ट को नॉलेज नहीं है कि भैया वॉट इज आईसर। ओके, सो जो इस बार क्या होने वाला है, जनरली जो कट ऑफ रहता है वो जो है मैक्सिमम जो स्कोर आते हैं स्टूडेंट के 180 में से, वो आप मान के चल सकते हो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो 163, 162, 160 ऐसे कुछ स्कोर आया था, और 180 में से 163, 160 मार्क्स बहुत अच्छा होता वैसे। लेकिन इस बार क्या होने वाला है यार, जनरली जो अगर अपन बात करें पिछले साल अगर 23,000 अप्लीकेशन आए होंगे टॉप 20% हर जो भी बोर्ड से, तो इस बार आप कितने मान के चल सकते हो? इस बार अपन मान के चल रहे हैं अप्लीकेशन फॉर्म तकरीबन जो है 70 से 80 हज़ार फॉर्म तो आ जाने चाहिए, एंड हो सकता है अभी जो अप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड भी किया जाए, वैसे जो है 15 जून तक इसकी डेडलाइन दी गई है, लेकिन आई थिंक जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कुछ कुछ चांसेस लग रहे हैं। ओके, सो जो है कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यार थोड़ा जो है चेंजेस तो आएगा ही, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन वगैरह भी करते हैं, आप हमारा गाइडेंस प्लान भी ले सकते हो, जिसके लिए आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की, कि भैया क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या सारा सीन है इसके अंदर। सो यार जस्ट अगर आप इफ़ यू आर बिलोंग टू फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, सो दिस इज एन एक्सेप्टेड कट ऑफ, हो सकता है कम भी आ जाए, हो सकता है कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली जाए 160, 150 चली जाए, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना वो अप्लीकेशंस का है, वो कंपटीशन का है, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा अप्लीकेशन उतना ज़्यादा कंपटीशन। अब अप्लीकेशन तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि पहले ओनली फॉर टॉप 20% को लिया जाता था, अब जो है ऑलमोस्ट सभी को ले रहे हैं। तो बहुत सारे YouTube पे ना आपको बता रहे होंगे कि आपका 95 पे हो जाएगा, आपका 60 पे हो जाएगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट कुछ चैनल्स थे, नाम तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है, जो भी आईसर के स्टूडेंट थे, कुछ आईसर भोपाल, आईसर मोहाली, आईसर पुणे, तो ही इज टोल्ड मी दैट कि भैया जो है एडमिशन 60 मार्क्स पे हो जाएगा। मैंने कहा भाई 180 में से 60 पे कैसे हो जाएगा, 65 पे कैसे हो जाएगा? बोलते हैं हो जाएगा, आईसर बेरहमपुर में हो जाएगा, आईसर पुणे जसलाई, आईसर तिरुवंतपुरम, आईसर भोपाल हो जाएगा। अगर मैं आपको रैंकिंग अगर मैं बताऊं, पिछले साल के कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो 2800-2900 रैंक लास्ट गई है जनरल कैटेगरी वालों की, ठीक है, एंड मैक्सिमम टोटल SC वालों की अगर मैं बात करूँ तो SC वाले 4000 प्लस क्रॉस कर गए थे,
ठीक है। SC ST एक्सेप्शनल केस है यार, उनको छोड़ो आप, ठीक है। जो हमारा मेन मोटिव होता है, मेन फोकस रहता है, वो है जनरल कैटेगरी, जनरल EWS और OBC कैटेगरी, क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं दिस इज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जनरल से भी ज़्यादा, ओके। सो जो आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट आप मिनिमम ट्राई करो कि आप 120 प्लस स्कोर करो, ठीक है। एंड जस्ट जो SC कैटेगरी वाले हैं उनको, जो अगर आपको मतलब बहुत अच्छा आयसर चाहिए कि भैया मेरे को तो आयसर पुण्य चाहिए चाहिए, देन जस्ट आप मतलब झंडे गाड़ दो, एटलीस्ट ट्राई करो 140 150 क्रॉस कर दो, तो आपको आयसर पुण्य लेने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची बता रहा हूँ, अप्लीकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं इस बार, क्योंकि जो ये डायस्टिक चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इतने साल तो बच्चे अप्लीकेबल ही नहीं होते थे अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इस बार उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कम से कम फॉर्म भरने के लिए, तो कंपटीशन थोड़ा तो इंक्रीज होगा ना, ठीक है। जस्ट लाइक पहले आप कंपीट कर रहे थे ओनली फॉर 23,000 बच्चों के साथ, अभी आप कंपीट कर रहे हो 70,000 80,000 बच्चों के साथ, और इसके अंदर एक ये भी थोड़ा सा आपको मतलब रिलैक्सेशन मिल गया कि 2020 वाले बच्चे अप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं दो बार ड्रॉपर हूँ, यानी कि सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ, मैंने 2020 में पास किया था 12th, तो क्या मैं आयसर के लिए अप्लीकेबल नहीं हूँ। सो आयसर वालों के लिए इस बार ये इशू हुआ है कि जो भी बच्चे 12th पास किया था 2020 के अंदर वो भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। सो जस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं ट्राई करो मिनिमम, जस्ट आप जो है अगर आपको टॉप के आयसर चाहिए, इफ़ यू आर बिलोंग टू फ्रॉम जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी, जनरल EWS OBC, देन आप जस्ट स्कोर करने की ट्राई करो, कम से कम 130 140 तक तो आप जा भी सको, देन आपको टॉप के आयसर लेने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आयसर की प्रेफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, जैसे आयसर पुणे इज़ द वेरी बेस्ट, या फिर आपको बहुत सारे स्टूडेंट आयसर कोलकाता को भी मानते हैं, लेकिन मेजरली आयसर जो पुणे है उसकी फैसिलिटीज़ है, उसका जस्ट लाइक कल्चर है, उसकी लोकेशन है, राइट। देन उसके बाद आयसर जस्ट लाइक कोलकाता भी वेरी गुड है, आयसर मोहाली अच्छा है, या फिर आयसर भोपाल भी देख सकते हो, भोपाल से अच्छा आई थिंक मोहाली का लोकेशन अच्छा है, राइट। घूमने तो गए होंगे आई थिंक आप लोग मोहाली, ठीक है, मोहाली है या फिर उधर शिमला वगैरह हिमाचल में, वेरी गुड लोकेशन, ओके। देन जस्ट लाइक अच्छे अच्छे आयसर से यार, भोपाल है, जस्ट लाइक तिरुवनंतपुरम है, तिरुपति है, बेरमपुर है, ओके। एंड बेरमपुर का भी काफ़ी अच्छा कैंपस है, कैंपस बहुत बड़ा है, टीचर्स, रिसर्च लेबोरेटरीज, ओके। एंड आयसर बेरमपुर जो है आई थिंक 2014 में ऐसे कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है वैसे आयसर बेरमपुर भी, राइट। एंड जस्ट ग्रो योरसेल्फ एंड कीप स्टडी, एंड जस्ट जैसे ही आयसर के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। एंड जो है करेक्शन विंडो भी AP जो है ओपन हो चुका है शायद, तो जस्ट आपके कोई एरर आ रहा है तो आप जस्ट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एंड जो JEE एडवांस एंड KUPY वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है आयसर के अंदर अभी वहाँ पे एक ऑप्शन ओपन है SCB चैनल का, तो जल्दी जो वहाँ पे KUPY चैनल और जो JEE एडवांस चैनल भी विंडो ओपन कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी फिल कर पाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अभी KUPY का रिजल्ट नहीं आया है, JEE एडवांस का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सो जस्ट जैसे ही थोड़े दिन लगेगा, मतलब आई थिंक जस्ट जुलाई तक ओपन हो जाएंगे, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए उसके अंदर। थैंक यू सो मच, और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।